वासुदेवाय नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमं श्लोके भक्तिरभवति निष्ठति। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शुभाक्षरि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 13वें अध्याय 23वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं। 1:13:23। अहो महीयसी जंतो अहो महीयसी जंतो जीवर्ताशा यथा भवान जीवर्ताशा यथा भवान भीमापवर्जितं पिंडं भीमापवर्जितपिंडं अद्दते ग्रहपालवत् अद्दते ग्रहपालवत्। तात्पर्य अनुवाद इस डिवाइन ग्रेस से इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। ओ प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। तात्पर्य साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। साधु को चाहिए कि गृहस्थों के जीवन से कटु सत्य के बारे में अवगत कराए, जिससे वे इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनिश्चित जीवन के विषय में सचेत हो सके। धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण है। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्रों दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट और दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे, और भीमसेन का विशेष उल्लेख इसलिए हुआ है कि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। जो धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सारा अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। अतः विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवन रहने की आशा कितनी प्रबल होती है। यह जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने के लिए मिला है, और मनुष्य शरीर तो अनेकानेक जन्मांतरों के बाद मिलता है, जो भगवत धाम वापस जाने के लिए आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें असली ज्ञान के बारे में ज्ञान नहीं है। धृतराष्ट्र अंधे थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच वे सुखपूर्वक जीवित रहने के लिए आशा लगाए हुए थे। विदुर जैसे साधु ऐसे अंधे व्यक्तियों को सावधान करने के लिए होते हैं।
एक बार वहां जाकर कोई इस दुखमय संसार में वापस नहीं आना चाहता। अतएव हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु पुरुषों का उत्तरदायित्व इस कार्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मुखम करोति वाचालम अंगुम रंगा गिरि ये कृपा तुम वंदे श्री गुरु दीन साधन परमानंद। ऐसा देखा गया है कि अधिकांश लोग खाने के लिए जीते, जीने के लिए नहीं खाते। नाना प्रकार की सुविधाओं के लिए जीते, उनके जीवन का और कोई प्रयोजन नहीं है। किसी भी कीमत पर उनको भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा पहनना और अपने आप को अच्छी तरह से मेंटेन करना, भौतिक दृष्टि से सुखों का उपभोग करना, यही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो वास्तविक रूप से ये जानवरों की प्रवृत्ति है। मनुष्य जीवन इस कार्य के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन का वास्तविक प्रयोजन है भगवत तत्व को जानना, जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकलना। ये जो भौतिक संसार है, भौतिक जीवन है, वास्तविक रूप से दुखालय है। लाख प्रयत्न करने के बाद भी अनेकानेक दुख एक के बाद एक लगातार लोगों के जीवन में आते ही रहते हैं। यहां पर कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 13वें अध्याय 23वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि धृतराष्ट्र भौतिक रूप से नहीं आध्यात्मिक रूप से भी अंधा हो गया। और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध की समाप्ति होने के बाद जिस युद्ध में उसके सारे पुत्रों को मार दिया गया, 100 पुत्र मारे गए, और उन पुत्रों को मारने वाला व्यक्ति था भीमसेन। भीमसेन ने उसके अत्यंत प्रिय पुत्र दुर्योधन की हत्या की, दुशासन की हत्या की, सारे पुत्रों की हत्या की। उसके बाद भी धृतराष्ट्र सुख और सुविधाओं के प्रति इतने आसक्त थे कि युद्ध की समाप्ति के बाद उसी भीमसेन के यहां पर वो रहने लगे। उसके द्वारा दिए गई सुविधाओं का भोग करने लगे और उसमें भी संतुष्ट थे। ही वॉज सेटिस्फाइड, ही वॉज लुकिंग फॉर सम प्लेजर। तो यह है सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि लोग इन भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि वे जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं, अपने स्वाभिमान को भूल जाते हैं, टुकड़ों पर पलने लगते हैं जिस प्रकार से एक कुत्ता। लोग उनको कुत्ते से तुलना करना, कुत्ते की बेइज्जती करना है। तो इस प्रकार से लोग अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य भूल चुके हैं। दूसरा प्रमुख विषय श्रील प्रभुपाद जी ने यहां पर स्पष्ट किया कि वास्तविक रूप से जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, गुरुवर्ग हैं, उनका यह कार्य नहीं कि धनी व्यक्तियों की चापलूसी करें, जैसा आजकल देखा जाता है। तथाकथित गुरु अपने शिष्यों की चापलूसी करने में लगे हुए हैं क्योंकि वे धनवान हैं। एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ठाकुर महाशय इस कहानी को बताते थे। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक व्यक्ति बड़ा धनवान व्यक्ति था और उसके पास एक बहुत ही अच्छा नौकर था, और वह धनवान व्यक्ति की हमेशा ये नौकर प्रशंसा किया करता था।
तो एक दिन उस धनवान व्यक्ति ने कहा, देखो ये नौकर ने पूछा कि स्वामी आप कौन सी सब्जी खाओगे, और उस व्यक्ति ने सोच करके बतलाया, मैं बैंगन की सब्जी खाऊंगा। और तुरंत उस नौकर ने कहा, वाह क्या बात है, क्या बात है प्रभु, आपका जो टेस्ट है सर्वोत्तम है, बैगन कितनी अच्छा सब्जी है, बैगन किसी भी चीज में डालो, बैगन के साथ में अपन बना सकते हैं, और बैगन का भुर्ता तो अद्भुत है, इतना अच्छा बनता है बैगन का भुर्ता, बहुत ही सौभाग्य वाले व्यक्ति को बैगन का भुर्ता नसीब होता है, अद्भुत अद्भुत। तब तक उस व्यक्ति ने कुछ सोच करके कहा, नहीं मैं बैगन की सब्जी नहीं चाहता हूं, बैगन की जगह दूसरी सब्जी बनाएंगे। तुरंत इस व्यक्ति ने कहा, हां स्वामी मैं भी यही कह रहा था, आपने कैसे बैगन की बात कर दी, बैगन बिना गुण, इसमें कोई गुण ही नहीं है, एकदम ठीक नहीं है, बहुत अच्छा किया आपने, मैं भी ऐसा कहने ही वाला था, मेरी जुबान पर बात आई परंतु मैं कह नहीं पाया, आपने एकदम ठीक कह दिया, बैगन नहीं। तो वो व्यक्ति, उसने कहा ठीक है बैगन की सब्जी मेरे को नहीं पसंद है, और फिर उसने कहा नहीं परंतु ऐसा करो बैगन ही बना लो। फिर इसने तुरंत अपनी बात को बदल दिया, हां परंतु कुछ भी हो आखिर तो बैगन बैगन ही है, सब्जियों का राजा है, कितना इसके अंदर आयरन है, कितने इसके अंदर विटामिन हैं, इसकी बात ही अलग है, बैगन की ही सब्जी बननी चाहिए। और फिर स्वामी ने थोड़ी देर बाद कहा, नहीं 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 बैगन की नहीं, आप भिंडी की बनाइए। हा एकदम सही कहा आपने, बैगन ये तो एकदम सड़े हुए चीज के जैसे लगता है, जब पका दो तो आप देखो क्या है, इसमें कोई तथ्य है, काला सा बेकार एकदम, कभी नहीं स्वामी आपने एकदम ठीक कहा, भिंडी श्रेष्ठ है, और मेरे को तो भिंडी बहुत पसंद है। और फिर स्वामी ने कहा, नहीं ठीक है फिर भी बैगन की सब्जी बनाएंगे। हाँ 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 आप एकदम ठीक कह रहे हैं, अद्भुत आपकी बातें श्रेष्ठ है, सारे संसार में बैगन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कितनी भी दूसरी सब्जियां हो जाए फिर भी बैगन तो बैगन है। तो उसका स्वामी थोड़ी देर बाद भ्रमित हो गया और उसने कहा, देखो आखिर मैं समझना चाहता हूं कि तुम क्या चाहते हो, मैं जो कहता हूं तुम उसी में हां मिलाते हो, उसी को श्रेष्ठ बताते हो, मैंने कहा बैगन अच्छा है तो तुमने कहा अच्छा है, मैंने कहा बैगन नहीं चाहिए तो तुमने बैगन के बारे में ऐसी वर्तना कर दी, और फिर मैंने कहा नहीं बैगन चाहिए तुमने फिर बैगन की प्रशंसा की, तो आखिर ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु देखिए मैं क्या चाहता हूं इसका कोई प्रश्न नहीं उठता, इसका कोई महत्व नहीं, महत्व तो इस बात का है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि मेरे को वेतन तो आप देते हो, बैगन भी ना देता है, तो इसलिए मुझको आपको प्रसन्न करना है, आप जो चाहते हो मैं वही चाहता हूं। तो अधिकांश गुरु आजकल इस प्रकार के हैं, वो शिष्य की हां में हां मिलाते हैं, शिष्य पाप पूर्ण कार्य करता है वो उसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करते, क्यों खतरा मोल ले रहे, यदि कह देंगे तो शिष्य छोड़ के चला जाएगा और गुरु जी की इनकम बंद हो जाएगी, इसलिए गुरु जी बहुत ही भयभीत रहते हैं। तो इस प्रकार के गुरु गुरु बनने के योग्य नहीं है,
कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में स्पष्ट रूप से लिखते हैं, गुरु वो व्यक्ति है जो अपने शिष्य को सत्य से अवगत करा सके, सत्य का साक्षात्कार करा ले, भले ही वो कड़वा लगे, किंतु कुछ लाभ के लिए, अपनी कुछ सुविधाओं के लिए शास्त्र के निर्देशों में, शास्त्र के आदेशों के अंदर इस प्रकार का कंप्रोमाइज करना और गलत बातों को गलत तरह से प्रस्तुत करना, यह गुरु का लक्षण नहीं है, यह सद्गुरु का काम नहीं है। तो गुरु को शिष्य के टुकड़ों पर नहीं पड़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में श्री प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज का चरित्र वर्णन करते समय लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज के जो गुरु थे संडमार हिरण्यकश्यप के द्वारा वो नियुक्त थे, और संडमार सत्य से अवगत थे, ब्राह्मण पुत्र थे, फिर भी संडमार्क ने प्रहलाद को वास्तविक शिक्षाएं नहीं दी। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण है संडमार्क धन के लिए कार्य कर रहे थे। और ऐसा हम आजकल देखते हैं, अधिकांश गुरु धन के लिए बिके हुए और वो वही बात करते हैं जो शिष्य सुनना चाहता है, और शिष्य क्या सुनना चाहते हैं, जितने पापपूर्ण वो काम करते हैं उन सबको आप अप्रूव कर दो। जैसे ही गुरु जी कहते हैं चार नियम का पालन करना पड़ेगा, शराब और जुआ बंद करना पड़ेगा, व्यभिचार नहीं चलेगा, 16 माला भगवान के नाम की करो, तो तुरंत गुरु जी अच्छे नहीं है, ये वाला गुरु छोड़ दो, दूसरा गुरु ले लेंगे जो सब कुछ अलाउ करते हैं। इस बात की चर्चा भी नहीं करते हैं कि क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, और माला करने की क्या जरूरत है, भगवान का नाम तो मन में लेने से भी काफी है, मन में भी स्मरण कर लेंगे। मैं तो हमेशा स्मरण करते रहता हूं, अधिकांश लोग कहते हैं मन में, मैं तो हमेशा स्मरण करते रहता हूं, तो यदि आप हमेशा स्मरण करते हो तो 16 माला 2 घंटे स्मरण करने में क्या गलती है, कोई गलती है क्या? परंतु इस प्रकार के धूर्त लोग हैं जो खुद अपने आप को धोखा देना चाहते हैं। इसलिए गुरु का वास्तविक लक्षण है, गुरु सत्य को प्रस्तुत करते हैं और शिष्यों को उस सत्य का अनुशीलन करने के लिए बाध्य करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने किया। इतने सारे हिप्पी श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में आए जो पूरी तरह से शराबी थे, जुआरी थे, व्यभिचारी थे, दुराचारी थे, और श्रील प्रभुपाद ने उनका तिरस्कार नहीं किया, उनको भी प्रेम किया और उन लोगों को प्रेरित किया, प्रेरित किया जिससे वो लोग भी भगवान के दिव्य नामों का जप करने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने अपने इन सारे दुर्गुणों को त्याग दिया, स्वेच्छा से छोड़ दिया। यह है प्रमाणिक गुरु का लक्षण। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा किया पूरे विश्व में। देखिए आप ये हरे कृष्ण मूवमेंट, इस्कॉन का जो मूवमेंट है पूरे संसार में आज सभी देशों में, और सारे लोग इतने उत्साह के साथ खुशी के साथ इसका अनुशीलन कर रहे हैं। तो ये प्रमाणिक गुरु के द्वारा हुआ, ऐसा व्यक्ति नहीं जो शिष्य के टुकड़ों पर पलता। यदि आप शिष्य के टुकड़ों पर पल रहे हो तो आपको सत्य बोलने की शक्ति नहीं रहेगी, साहस नहीं करेंगे, ठीक है? तो वास्तविक रूप से शरणागत का लक्षण है, जो व्यक्ति वास्तविक रूप से शरणागत है, शरणागत का एक लक्षण है रक्षिबे कृष्ण सदा, भगवान मुझे रक्षा करेंगे, भगवान मेरे पालनहार हैं,
मेरा पालनहार ये धनी व्यक्ति नहीं है, मेरा पालनहार फलाना व्यक्ति नहीं है, मेरे पालनहार भगवान जगन्नाथ हैं और भगवान जगन्नाथ मेरी रक्षा करेंगे, वो मेरा पालन करेंगे। जब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति मेरा पालन करता है, तो हम उसकी प्रसन्नता के लिए काम करने लगते हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो बात किसी के व्यक्ति के प्रसन्नता के लिए नहीं की जाती, भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है। सत्य क्या है उसको यथारूप प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने भगवद गीता यथारूप लिखी, जैसी की वैसी, ऐसी नहीं कि जैसी आपको सुनना है, ठीक है, यजमान को जैसी सुनना है वैसी सुना देंगे, सब्जी जो उनको अच्छी लग रही है वही श्रेष्ठ है, या तो बैगुन सब्जियों पर राजा है या फिर बिना गुण वाला है, जैसा पसंद हो वैसा बनाएंगे। तो वास्तविक रूप से गुरु का लक्षण है सत्य को प्रस्तुत करना यथारूप में और शिष्यों को प्रेरित करना उस सत्य का अनुशीलन के लिए। और इसलिए विदुर महाराज धृतराष्ट्र के पास आए हैं। श्रीमद् भागवतम में यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण वर्णन है, विदुर महाराज धृतराष्ट्र के पास आकर के धृतराष्ट्र को अभी भी प्रेरित कर रहे हैं, देखो तुम कितने गिर चुके हो, जिस भीमसेन ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की अब तुम उसी भीमसेन के टुकड़ों पर पल रहे हो, अभी भी भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आसक्त हो और जीवन के वास्तविक लक्ष्य के प्रति उदासीन हो गए हो, तो कृपया करके इन सुख सुविधाओं को त्यागने के लिए तैयार रहिए। यदि आप स्वेच्छा से नहीं त्यागना चाहते हैं तो वक्त आपको मजबूर करके सब कुछ छुड़वा देगा, वक्त सब कुछ छुड़वा देगा। तो स्वेच्छा से हम जीवन के सत्य को स्वीकार करें और मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य है भगवत तत्व की प्राप्ति, यह है मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य। अच्छा खाना, अच्छी तरह से सोना, संभोग करना, ये तो जानवरों के शरीर में भी बहुत ज्यादा सुविधाएं इन कार्यों के लिए, इसके लिए मनुष्य शरीर की आवश्यकता नहीं है। जीवन को व्यर्थ न करें, जीवन का सही उपयोग करें, मनुष्य जीवन का सही उपयोग करके हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम में भगवान की सेवाओं में निरत रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। और प्रेमानंदे।